डीएनपी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बढ़ते कोरोना का कहर अब राजनीति गलियारों में भी दिखने लगा है। पहले अमित शाह और अब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी जानकारी खुद पूर्व राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दी है। मुखर्जी ने सोमवार की दोपहर को ट्वीट कर कहा था कि वह अस्पताल में एक अलग जाँच के लिए गया था, मगर जांच के दौरान आज मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो पिछले हफ्ते में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं, वे खुद को आइसोलेट कर लें और कोविड-19 का टेस्ट करवा लें। अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल में वह कड़ी निगरानी में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी बेटी और कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी से बात कर प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना है। राष्ट्रपति कोविंद और कई नेताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रविवार देर रात बाथरूम में गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके सिर और कनपट्टी पर चोट लगी थी। चोट लगने से उनके सिर में कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्या हुई, जिसके बाद उन्हें सोमवार सुबह अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उनके सिर में किसी तरह का फ्रैक्चर नहीं हुआ है, वहीं उनकी सोमवार को ब्रेन सर्जरी की गई, जो सफल रही। फिलहाल प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर पर हैं। प्रणब मुखर्जी की सेहत की चिंता करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने मुखर्जी के स्वास्थ्य को लेकर शुभकामनाएं की हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेताओं ने ट्विटर पर मुखर्जी के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सेना के अनुसंधान और रेफरल R&R अस्पताल का दौरा कर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्वास्थ्य की जानकारी ली है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि वे उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। सर, महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट पर लिखा कि आप जल्दी स्वस्थ हों सर। आइए नजर डालते हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की कुछ खास बातें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया है। वे देश के 13वें राष्ट्रपति हैं। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खास लोगों में से एक रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कांग्रेस की सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं, जिनमें वित्त मंत्रालय सहित कई अहम पद शामिल हैं। उनका संसदीय करियर करीब 5 दशक पुराना है, जो 1969 में ही कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में से शुरू हुआ। प्रणब मुखर्जी 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उपमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। वे सन 1982 से 1984 तक नए कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे हैं और सन 1984 में भारत के वित्त मंत्री बने। एक सर्वेक्षण के अनुसार साल 1984 में प्रणब मुखर्जी दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में से एक थे। वित्त मंत्री के रूप में प्रणब के कार्यालय के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। आइए आपको बताते हैं प्रणब मुखर्जी की निजी जिंदगी के बारे में। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 बीरभूम जिले के मीरती गांव में 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और 1952 से 1964 के बीच बंगाल विधायी परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि रहे। उनकी माँ का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ साथ कानून की डिग्री हासिल की है। वह एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं। उन्हें मानद डीलिट उपाधि भी प्राप्त है। उन्होंने पहले कॉलेज प्राध्यापक के रूप में और बाद में एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। प्रणब मुखर्जी का 13 जुलाई 1957 को सुब्रा मुखर्जी से विवाह हुआ था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक सफर 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में उच्च सदन शुरू हुआ था। सन 1984 में वे भारत के वित्त मंत्री बने। सन 1984 में यूरोमनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में वे दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में शामिल थे।